मैं नरेंद्र दामोदरदास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आगाज हो चुका है। मोदी सरकार 3.0 ने शपथ भी ले ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर केंद्रीय मंत्रियों को सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं और इन्हें वेतन भत्ते क्या दिए जाते हैं, क्या प्रावधान है। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74(1) में कहा जाता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा जो अपने कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार काम करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद संसद के दोनों सदनों से हो सकता है। आमतौर पर मंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति को संसद के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। हालांकि संविधान में संसद के बाहर से किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने पर कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते मंत्री वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952 द्वारा निर्धारित किए होते हैं। मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। एक मंत्री को वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो एक संसद सदस्य को मिलते हैं। इसके अलावा मंत्री को सत्कार भत्ता, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं आदि भी मिलती है। हर मंत्री को उनके पूरे कार्यकाल के दौरान मासिक वेतन और रोजाना के लिए भत्ता मिलता है। हर मंत्री को संसद सदस्यों के रूप में निर्वाचित क्षेत्र भत्ता भी दिया जाता है। नियम की माने तो केंद्रीय मंत्रियों को मुफ्त रियायती निवास भी मुहैया कराया जाता है। हालांकि कार्यकाल खत्म होने के बाद 1 महीने के बाद ही इस आवास का उपयोग का अधिकार होता है। ऐसे आवास के रखरखाव की जिम्मेदारी मंत्री की नहीं होती है। वहीं परिषद में शामिल सभी मंत्रियों को अलग अलग दरों पर हर महीने व्यय भत्ता दिया जाता है। प्रधानमंत्री को 3000 रुपये, प्रत्येक अन्य मंत्री को 2000 रुपये और राज्य मंत्री को 1000 रुपये और उप मंत्री को 600 रुपये हर महीने व्यय भत्ता मिलता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम के तहत हर मंत्री को यात्रा और दैनिक भत्ता मिलता है। नियम के अनुसार मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा भत्ता तथा मंत्री और उनके परिवार के सामान के लाने ले जाने के लिए भी भत्ता दिया जाता है। जब मंत्री पदभार ग्रहण करने के लिए दिल्ली से बाहर अपने निवास स्थान से दिल्ली की यात्रा करते हैं तब भी उन्हें भत्ता मिलता है। इसके अलावा मंत्रियों के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए दौरों के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। मंत्री अपनी सुविधानुसार समुद्र, भूमि या वायु मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। वहीं हर मंत्री को हर साल भारत में अकेले या पति पत्नी या फिर बच्चों या साथियों या अन्य रिश्तेदारों के साथ यात्रा के लिए किराया भी मिलता है। कोई भी यात्रा भुगतान नगद या उसके बदले में उपलब्ध कराया गया निःशुल्क सरकारी परिवहन में दिया जा सकता है। वहीं किसी भी मंत्री को चिकित्सा उपचार का खर्च भी मुहैया कराया जाता है। मंत्री और उनके परिवार के लोग सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार करा सकते हैं और इन अस्पतालों में ठहरने की व्यवस्था भी निःशुल्क होती है। वहीं मोटर कार खरीदने के लिए मंत्रियों को अग्रिम राशि भी मिलती है। ऐसा इसलिए कि मंत्री अपने कार्यालय के कर्तव्यों का सुविधाजनक और कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सके। तो कुल मिलाकर के दैनिक भत्ते से लेकर के यात्रा भत्ता तक तमाम व्यवस्थाएं मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को दी जाती हैं। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।